शुभ प्रभात बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आ, ई और ई इन तीनों की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे, यानी कि शब्दों को पढ़ेंगे और साथ साथ उसे बोलेंगे भी, ठीक है? जिससे कि आपके सारे शब्दों का रिवीजन हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी और आपको मात्रा जो है वो अच्छे से लर्न भी हो जाएगी कि वो कहाँ पर और किस तरीके से लगाई जाती है, ठीक है? तो आज शुरू करते हैं, हम आ की मात्रा से सबसे पहले शुरू करेंगे। आ की मात्रा वाले शब्द जो होते हैं वो आपकी सबसे पहली मात्रा होती है जो आपको सिखाई जाती है, आ की मात्रा। आ की मात्रा जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड पर यानी सीधे हाथ पर लगती है वर्ण के बाद, ठीक है? और इसकी जो साउंड होती है वो होती है आ। तो चलिए शब्दों का अभ्यास करते हैं। पहला शब्द जो हमें दे रखा है वो है हाथ। हाँ देखिए, वो है हाथ, ठीक है? दूसरा है नाक, कान, बाल, पाठ, चार, सात, दाल, डाल, बाजा। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है। यहाँ से चेंज क्या आया है, अभी तक सिर्फ पहले वाले वर्ण पर ही आ की मात्रा लिखी थी, अब दोनों वर्णों पर मात्रा आ गई, यानी कि पहले वर्ण में भी हमें आ की ध्वनि महसूस होगी और दूसरे में भी, ठीक है? तो ये है बाजा। फिर है माथा, खाना, माला, तारा। फिर है, अब ये देखिए यहां से भी वर्ड्स थोड़े से बदल गए हैं, इसमें सिर्फ तीन वर्णों वाले जो शब्द हैं वो आ गए हैं और पहले वर्ण पर आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो ये है चावल, बादल, गाजर, पालक, पायल, आधा, आसन। चार वर्णों का शब्द है, तीसरे वर्ण पर आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है यानी अखबार, और फिर है ये आखिर में आपका छाता, ठीक है? तो ये आपके आ की मात्रा वाले शब्द हो गए। या आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो आ की मात्रा होती है वो वर्ण के बाद लगती है, यानी कि सीधे हाथ पर इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और ई की मात्रा के शब्दों का अभ्यास करते हैं। ई की मात्रा जो है वो लेफ्ट साइड से प्लेस की जाती है और वर्ण के पहले प्लेस की जाती है, ठीक है? जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी वर्ण लिख रहे हैं तो उससे पहले ही ई की मात्रा जो है वो आपकी प्लेस की जाएगी। यहाँ मैं बड़ी ई की मात्रा की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं छोटी ई यानी ई की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो चलिए शब्दों को पढ़ लेते हैं। इसकी जो ध्वनि होती है वो ए ही होती है, यानी से र। यहाँ पर ये लिखा हुआ है से र, दे न, ये न, बे ल, दे ल। फिर ये है तीन वर्ण वाला शब्द के धर। फिर है टिकट, किसान, विमान, छिलका, हिरन, गिलास, ठीक है? तो ये आपके दो वर्णों वाले शब्द थे, यहाँ पर आपके तीन वर्णों वाले शब्द आए। और इनमें अंतर ये है कि इसमें पहले वाले वर्ण पर ही सिर्फ ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है? लेकिन अब यहाँ से जो पैटर्न है वो थोड़ा बदल गया है। यहाँ पर चार वर्णों वाले शब्द हो गए हैं और कुछ तीन वर्णों वाले भी हैं, लेकिन मात्रा जो है वो एक से ज्यादा वर्ण पर लगी है, यानी जो ई की ध्वनि होगी वो एक से ज्यादा वर्णों पर हमें सुनाई देगी और एक से ज्यादा वर्णों पर हम उसे बोलेंगे। जैसे कि चिड़िया, चिड़ी या, ठीक है? फिर है केश, मेश। फिर है गिर, गेट। देन झेल, मेल, यानी कि चा पर भी ई की मात्रा सुनाई दी, ड़ा पर भी, की पर भी और मी पर, का पर भी और मी पर भी, तब ये किशमिश है। गिरगिट में गा पर भी है, पहले वाले गा पर भी है, दूसरे वाले गा पर भी है, और झिलमिल में झा पर भी ई की मात्रा है और मा पर भी ई की मात्रा है, ठीक है? आई होप ये आपको मात्रा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो ये है ही, रिकॉल भी आपकी एक बार ये हो गई होगी, रिवाइज हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बड़ी की मात्रा का अभ्यास करते हैं। बड़ी की मात्रा जो होती है वो राइट हैंड साइड से प्लेस होती है, जैसे आ की मात्रा राइट हैंड साइड से प्लेस की जाती है वर्ण के बाद, उसी तरह ई की मात्रा भी वर्ण के बाद प्लेस की जाती है, लेकिन इसकी शेप जो है वो अलग तरह की होती है। इसकी शेप इस तरह से होती है, ठीक है? ऐसा आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए शब्दों को रीड कर लेते हैं। खीर, ई, इसमें जो साउंड आ रही है वो ई की साउंड है यानी खीर। फिर है आपका जीभ, चील, नीम, गीत, कली।
फिर ये अभी तक पहले वाले वर्णों पर ई की मात्रा लगी थी, अब दूसरे वाले वर्णों पर लग रही है, ठीक है। इस लाइन में दूसरे वर्ण पर लग रही है, यानी पहले वर्ण पर कोई मात्रा नहीं है, तो वो सादे तरीके से आपको बोलना है, न दी द ही प री द री। फिर है आपका, तीन वर्णों वाले शब्द हैं ये, और इनमें जो मात्रा है प्रोबेबली थर्ड वर्ड पर, यानी तीसरे वाले वर्ण पर लगी है, या आप उसको रीड भी एक बार कर लेते हैं, ग र मी, ग र मी, म ठ री, म ठ री, सर दी, सर दी, धर ती, धर ती, तेत ली, तेत ली, दीपक, दीपक, सीप, सीप। अब ये चार वर्णों वाले शब्द हैं, गिलहरी जो है वो चार वर्ण की है, गि ल ह री, यानी गा पर बड़ी की मात्रा और रा पर बड़ी की मात्रा, गि गा पर छोटी की मात्रा है, गि ल ह और फिर रा पर बड़ी की मात्रा है, गिल ह री, ठीक है। फिर है म छ ली, क हानी, हा पर आ की मात्रा है इसलिए हमने बोला हा, यानी हमने क्या बोला, कहानी, कहानी। तो ये आपकी ई की मात्रा के शब्द थे, पहले वाले जो शब्द थे वो आ की मात्रा के थे, फिर ई की मात्रा के थे यानी कि छोटी ई, और फिर ये आ गए थे बड़ी ई की मात्रा के शब्द। तो तीन मात्राएं आज हमने इस वीडियो में रिवाइज करी हैं, रिकॉल करी हैं। आई होप आपको वर्ड इजीली आप रीड कर पाए होंगे, और इसी तरीके से आपको और भी ज़्यादा रिवीजन अपना जो है वो इंक्रीज़ करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।